आप लोग के लिए माइक यहाँ रखे हुए हैं। मैडम आप एक सेकंड आइए, आप आएंगे ना। हाँ रत्ना मैडम, आप ये बताइए कि आपने विधिक सेवा के लिए जो अपना ड्रामा तैयार किया है, इसकी थीम क्या है? नमस्कार। विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए हम लोगों ने कानून और समाज की सोच पर आधारित नुक्कड़ नाटक तैयार किया है और इस नुक्कड़ नाटक में एक कानून को लेकर एक हमारी सामाजिक सोच क्या होती है और वास्तव में हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, आम सोच को हमने सामने रखा है और उसके निराकरण के उपाय का भी रास्ता हमने इस नाटक की मदद से बताने की कोशिश की। धन्यवाद। समस्याएं तो दोस्तों हर कोई गिना देता है, लेकिन समस्याओं का निदान वही हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आपके सामने प्रस्तुत है। शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय कैंप वन की प्रस्तुति, एक शानदार नुक्कड़ नाटक जिसमें आप कानून की बारीकियों के बारे में जानेंगे। एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत करें और हम मन समर्पित करते हैं शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय कैंप वन को।
गुजरने का तो नहीं बिताऊंगा। अरे सुनियो, क्या है? मेरे लिए खाना लेकर आओ। तुम फिर से शराब पीकर आए हो? फिर से? घर में कुछ नहीं है, कहाँ से लाऊं खाना? बहुत बोलती हो, क्या तुम्हारे बाप की दवाई का दारू पीता हूँ? अच्छा, ना घर में राशन है और ना ही पहनने को कपड़ा और ना ही बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा। रात में तुम्हारी गाली सुननी पड़ती है। क्या तुम्हारी बात बहुत लंबी चलने लगी है? निकलो मेरे घर से और साथ में अपने पिल्ले को भी लेके जाओ। जो जिसके पास पैसे ही ना हो वो कहाँ से लाएगा छतरी और कैसे करेगा अपनी समस्याएं दूर? हाँ हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, पर जागरूकता के लिए हमें हमेशा पैसे की जरूरत नहीं होती। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, आपके घर को सुचारू रूप से चलाने के आपके पति या बुजुर्ग अपनी अपनी परंपरा संस्कृति का
सुचारू रूप से चलाने के। संवैधानिक तीन स्तंभ है। पहला न्यायपालिका, इसमें देश के नागरिकों को जो लोग देश की व्यवस्था को बनाए रखने में परेशान करते हैं तो कार्यपालिका द्वारा उन्हें समझाया जाता है, ना मानने पर न्यायपालिका द्वारा उन्हें उचित दंड दिया जाता है। दूसरा है कार्यपालिका, इसमें देश के नागरिकों को ये देश के नागरिकों को कानून का पालन कराती है। तीसरा है विधायिका, इसमें देश के नागरिकों को खुशहाल रखने के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं। Listen.
आपने ये शानदार प्रस्तुति देखी। आइए हम